वीडियो में पता ही नोटिफिकेशन ही नहीं आता है और अचानक चैनल रीयूज्ड कंटेंट डिलीट, रिपीटेड कंटेंट डिलीट, भाई चैनल ही डिलीट, एक वीडियो के वजह से पूरा चैनल डिलीट कर दोगे। अगर किसी वीडियो से आपको प्रॉब्लम है तो वीडियो डिलीट करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इंसान दोबारा मेहनत कर लेगा, दोबारा बना लेगा। लेकिन आप प्लेटफॉर्म ही डिलीट कर दोगे तो फिर वहां तक पहुंचने में जिसकी रोजी रोटी यूट्यूब से चलती थी वो क्या करेगा? तो पैसा कमा के ऊपर ले जाओगे क्या? ऊपर तो ले जाना नहीं है किसी को, सब यहीं रह जाएगा, कुछ नहीं लेके जाने वाला इंसान, कभी कुछ नहीं लेके जाने वाला है, मुट्ठी बांधे आया है, खाली हाथ जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। तो यार जियो और जीने दो। वीडियो डिलीट करते तो समझ में आता है वो दोबारा मेहनत करेगा, या ठीक है इस वीडियो में कुछ तो प्रॉब्लम होगा जब यूट्यूब ने मेरा वीडियो डिलीट किया। लेकिन चैनल ही डिलीट करोगे यार तो सब्सक्राइबर कैसे पूरे होंगे तुरंत? नमस्कार प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि मेरा एक यूट्यूब चैनल था किस्सा फिल्म का, जिसपे मैं फिल्म का रिव्यू वगैरह किया करता था। और अचानक आज सुबह जब मैं सोकर उठता हूँ तो पता चलता है कि मेरा चैनल डिलीट हो गया। जैसा कि मैं डेली अपना YT स्टूडियो खोल के अपना व्यूज़ वगैरह देखा करता था कि कितना व्यूज है, कितना नहीं, कितना वॉच आवर बढ़ा है, कितना नहीं बढ़ा है। और मैंने YouTube के हर पॉलिसी के तहत ही काम किया है, जैसे कि कितना यूज करना है किसी का फुटेज, अगर मुझे अपने वीडियोज़ में यूज करने हैं तो कितना मैं यूज कर सकता हूँ, 4 सेकेंड से 5 सेकेंड तक का ही फुटेज मैं यूज़ करता था। और उसके बाद फिर प्रॉपर मैं Adobe Premiere Pro पे, मेरे पास सिस्टम है, मैं आपको सेटअप दिखा दूंगा कि मेरे पास सिस्टम है और ये सारा सेटअप देख सकते हैं आप, सेटअप भी है। और प्रॉपर मैं Adobe Premiere Pro में अपना वीडियो एडिट करता हूँ और उसके बाद फिर मैं उसे अपना खुद का कंटेंट होता है और खुद मैं अपना सर्च करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, उसके बाद मैं किसी फिल्म का रिव्यू करता हूँ। तो अचानक आज सुबह जब मैं देखा, उसके बाद फिर मैंने अपील किया यूट्यूब से कि, लेकिन फिर भी यूट्यूब से रिप्लाई आया कि नहीं, किसी भी कंडीशन में आपका चैनल नहीं दे सकते, वापस नहीं होगा क्योंकि आपने इसका उल्लंघन किया है। और क्या उल्लंघन किया है कि बस बता दिया, रिपीटेड कंटेंट। भाई क्या रिपीटेड कंटेंट, कौन सा वीडियो में इतने सारे वीडियोज पड़े हुए, कौन सा, कैसे पता चलेगा कि कौन सा रिपीटेड कंटेंट की वजह से आपने मेरा चैनल डिलीट किया? टाइम लग जाएगा, महीना दो महीना लग जाएगा। यार किसी भी YouTube चैनल से अगर आपको प्रॉब्लम है, किसी वीडियो से अगर प्रॉब्लम होता है तो मैं, मेरी YouTube वाले टीम से, मुझे YouTube वालों से दरख्वास्त है कि प्लीज़ अगर आप लोग को कोई वीडियो में प्रॉब्लम होता है तो यार वीडियो डिलीट करो ना, पूरा चैनल क्यों डिलीट कर देते हो यार, बहुत मेहनत लगता है यार। रही बात ये, सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ढेरों सारे यूट्यूबर्स हैं जिनके चैनल डिलीट हो जाते हैं यार। यूट्यूब वाला बाबा एक चैनल है उनका, कोई टेक चैनल था, 25 लाख सब्सक्राइबर था, उसको भी उन्होंने डिलीट कर दिया। यार किसी एक वीडियो से प्रॉब्लम होता है तो वीडियो डिलीट करो ना यार, चैनल डिलीट क्यों करते हो? तो YouTube वाली टीम से यही दरख्वास्त है कि अगर थोड़ा आप अपने टीम में या फिर आप अपने लोगों से थोड़ा राय विचार लेके यार, कि किसी भी बंदे, ठीक है आप जो पढ़ा लिखा है वो तो समझ जाएगा कि आपका पढ़ के रिव्यू वगैरह, वो भी नहीं समझ पाता है, लेकिन 1% मान लेते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो रिव्यू पढ़ लिख लेंगे, समझ जाएंगे। लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए क्या, उनको तो आपका टर्म्स एंड कंडीशन पता ही नहीं रहेगा, तो फिर वो तो कर ही नहीं पाएंगे। यार मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर किसी वीडियो के वजह से प्रॉब्लम होता है तो आप उस वीडियो को टर्मिनेट कर दो, उस वीडियो को ब्लॉक कर दो, उस वीडियो को डिलीट कर दो। यार पूरी मेहनत होती है यार, फिर से जीरो से शुरू करना बहुत हिम्मत की बात होती है, दोबारा का हर कोई, किसी के बस की बात नहीं होती है। आपने एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म डाला जो हर कोई आत्मनिर्भर बन सकता है, यार आत्मनिर्भर बनने का मौका तो दो यार। जब उतना 4 महीना 6 महीना, कोई साल साल भर, दो दो साल, 5-5 साल मेहनत करके कोई चैनल यूट्यूब पे चलाता है अपना जॉब छोड़कर, अपना ये कि मेरा करियर सेटल हो जाए, और उसके बाद फिर आपने पूरा चैनल ही डिलीट कर, भाई उसके बाद क्या करेगा बंदा? डिप्रेशन में चला जाएगा, कुछ कर लेगा गलत चीजें जो नहीं करना चाहिए, क्या कर देगा यार? तुम मुझे पूरी YouTube वाले टीम से दरख्वास्त है कि यार किसी के साथ भी, मेरे साथ नहीं, किसी के साथ भी अगर आपको किसी चैनल के वीडियो से दिक्कत है तो उस वीडियो को टर्मिनेट कर दीजिए, लेकिन किसी का चैनल मत डिलीट किया कीजिए यार। एक टाइम था जब
आज से 4-5 साल पहले की बात करता हूँ कि जब YouTube नया नया आया था इंडिया में की बात कर रहा हूँ, कि जब बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था। मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, मैं मुंबई जाने से पहले की बात कर रहा हूँ, कि जब मैंने एक पोइट्री का यूट्यूब चैनल खोला था और उसमें मोनेटाइज इनेबल शुरू से ही हो गया था, स्टार्टिंग से ही मोनेटाइज इनेबल था। और उस टाइम क्योंकि यूट्यूब को लोगों की ज़रूरत थी उस टाइम, कि उनके पास सब्सक्राइबर आए, ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूबर बने लोग, ताकि उनका वो भी पैसा कमा सकते। फुली यूट्यूब पे जो भी पैसा आता है तो फुली यूट्यूब तो देता नहीं है, कुछ परसेंट यूट्यूब भी रखता है, उसके बाद कुछ परसेंट वो यूट्यूबर को देता है जो वीडियो बनाता है। उस टाइम उन्हें ज़रूरत था, तो ज़रूरत के समय तो पहले मोनेटाइज नॉर्मल कर दिया कि हाँ ठीक है, पहले वीडियो से ही आपका पैसा आने लगता था। लेकिन जैसे जैसे बढ़ता गया, ठीक है भीड़ जमा हो गया, छांटो आप। लेकिन यार जब कोई किसी भी अलग अलग फील्ड से होता है, कोई किसी में होता है, कोई किसी में होता है, और अंत में वो एक यूट्यूब को अपना यूट्यूब में अपना फ्यूचर देखता है, उसे लगता है कि नहीं मेरे लिए एक खुद का प्लेटफॉर्म है, हर किसी को अपना टैलेंट दिखाने का एक अवसर मिल गया है। और उसमें यार तुम प्लेटफॉर्म ही डिलीट कर दो, वीडियो डिलीट करते तो समझ में आता है वो दोबारा मेहनत करेगा, या ठीक है इस वीडियो में कुछ तो प्रॉब्लम होगा जब यूट्यूब ने मेरा वीडियो डिलीट किया। लेकिन चैनल ही डिलीट करोगे यार, तो सब्सक्राइबर कैसे पूरे होंगे तुरंत? 2 लाख 4 लाख 5 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने में समय लगता है, तो कहाँ से पूरा होगा सब्सक्राइबर तुरंत? कहाँ से वीडियो तो क्या करेगा उस सिचुएशन में इंसान, क्या करेगा? जो कमजोर दिल वाले होंगे वो तो मर ही जाएंगे ना। फिर आपके मतलब YouTube पे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो स्ट्रगलर भी हैं, जो जो काफी सारे फेम पाए हुए हैं वो भी हैं, और जो स्टार्टअप करने वाले हैं वो भी हैं। यार हर किसी के घर अपने लोगों के लिए ही बनाया है ना, कि हाँ इससे लोगों को फायदा हो सके तो 2 पैसा मैं भी कमाऊंगा। तो यार कमाओ ना पैसा, कौन मना कर रहा है? तो पैसा कमा के ऊपर ले जाओगे क्या? ऊपर तो ले जाना नहीं है किसी को, सब यहीं रह जाएगा, कुछ नहीं लेके जाने वाला इंसान, कभी कुछ नहीं लेके जाने वाला है, मुट्ठी बांधे आया है खाली हाथ जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। तो यार जियो और जीने दो। और मैं जितने भी बड़े क्रिएटर हैं, चाहे वो मनोज दे हो, चाहे वो फिल्म इंडियन की दीक्षा शर्मा हो, फिल्म इंडियन वाली हो, या फिर और भी जो कैरी मिनाटी और अमित भडाना जिनकी वीडियो मैं देखता हूँ, मैं ऐसे तो बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो मैं 2-4 नाम ले पाया, तो यार इन सब से भी दरख्वास्त है यार कि यार आप लोग प्लीज़ इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, कि जो छोटे क्रिएटर हैं उन्हें तो दिक्कत होता है और काफ़ी दिक्कत होता है यार। सब चीज़ लीगल है, सब चीज़ करो, लेकिन चैनल डिलीट मत करो यार, वीडियो डिलीट करो। अगर किसी वीडियो से आपको प्रॉब्लम है तो वीडियो डिलीट करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इंसान दोबारा मेहनत कर लेगा, दोबारा बना लेगा। लेकिन आप प्लेटफॉर्म ही डिलीट कर दोगे तो फिर वहां तक पहुंचने में जिसकी रोजी रोटी यूट्यूब से चलती थी वो क्या करेगा? वो क्या करेगा बंदा, वो कहां जाएगा? दुख होता है यार। तो प्लीज बस मैं यही कहना चाहूँगा कि YouTube वाले टीम, अगर आपको प्लीज़ ये मेरी बात अगर आप सुन रहे या देख रहे होंगे, तो प्लीज़ यार थोड़ा समझो सिचुएशन को। हर बंदा हर कैटेगरी का होता है, हर मतलब हर फैमिली में हर सिचुएशन अलग अलग होता है। कोई YouTube को अपना फ्यूचर मान के उस पर मेहनत कर रहा है तो यार गलत कर रहा है, तो उसे बताओ ठीक है वो पूछेगा, लेकिन यार प्लेटफॉर्म डिलीट मत करो। मेरा कहने का ये मतलब है, अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो देख के डिलीट कर दो। एक यूट्यूब का और सबसे बड़ी बात है, जो आजकल जो रियूज्ड कंटेंट आ गया है, इसमें क्या करते हैं कि बस आपका आप कोई 1700-1800 वीडियो डाल चुका है, अब उसमें अचानक कभी ना कभी हो ही जाता है कि आ गया, अगर रियूज्ड कंटेंट आ गया तो लोग आजकल तो नोटिस भी नहीं देते। पहले तो एक चैनल था जो मेरा खुद का कितना 4-5 चैनल बंद हो चुका है, नोटिस किस वजह से हुआ भाई? उतना सारा वीडियो कौन देखेगा? आप कौन सा वीडियो की वजह से आया कैसे पता चलेगा? तो आप बताओ ना कि इस वीडियो में प्रॉब्लम है, या जैसे आप कॉपीराइट स्ट्राइक आता है, ये कॉपीराइट क्लेम होता है तो उसमें देखते हैं, तो उसमें पता चलता है कि इतना म्यूजिक आपने यूज किया है, तो वो हटाते हैं, तो फिर ठीक करते हैं उसको। तो वीडियो में पता ही नोटिफिकेशन ही नहीं आता है, और अचानक चैनल रीयूज्ड कंटेंट डिलीट, रिपीटेड कंटेंट डिलीट, भाई चैनल ही डिलीट, एक वीडियो के वजह से पूरा चैनल डिलीट कर दोगे, फिर क्यों आएगा लोग आपके पास? क्या कोई तो एक सिक्योरिटी दो कि हाँ
ये चीज़ सिक्योर है आपका, ये चीज़ नहीं जाएगा यार। प्लेटफॉर्म देने का सिक्योर करो कि प्लेटफॉर्म से आपका कमाई बेशक ना हो, आपने मेहनत करना ही है, आप मेहनत करोगे तभी आएगा। लेकिन मेहनत नहीं करोगे, लेकिन जो बंदा मेहनत कर रहा है ठीक है, अगर एक गलती होता है, कहते हैं कि अगर मतलब पूरे कोई किताब है किताब का कोई पन्ना अगर खराब हो जाता है तो क्या पूरा किताब ही फेंक देते क्या, कि उस पन्ने को फाड़ के हटा देते, पूरा किताब का बाकी का काम आ जाता है। तो सेम मेरा वही कहने का मतलब है कि प्लीज अगर आपने प्लेटफॉर्म दिया है तो प्लेटफॉर्म डिलीट मत करो। ये कई लोगों का उम्मीद बन चुका है यूट्यूब, कई लोगों का फ्यूचर है यूट्यूब। या फिर मैं उन लोगों से बोलूंगा जो बना सकते हैं ऐसा ऐप, तो यार इंडियन गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा यार कोई अपना ऐप लाए, यूट्यूब का ऑप्शन लाए जो लोगों के लिए हो, खुद के लिए नहीं हो। वैसा ऐप लाए जिससे लोगों का भलाई हो, सिक्योरिटी दे, बेरोजगारी कम होगा। एक तो इतने बेरोजगार पड़े, ऊपर से जो लोग मेहनत करके कुछ करना चाहते तो ऊपर से ऊपर बैठे लोग, करियर ही खत्म, बंदा किधर जाएगा। अलग अलग फील्ड के लोग यूट्यूब पे आते हैं, कोई एंटरटेनमेंट कैटेगरी से यूट्यूब पे आता है, कोई टेक्निकल कैटेगरी से जॉब छोड़कर यूट्यूब पे आता है, कोई किसी कैटेगरी से जॉब छोड़कर आता है, कोई गांव में बैठे खेती बाड़ी वो कर दिखा के आता है यूट्यूब पर। यार हर किसी के लिए अपॉर्चुनिटी हो गया है। तो जब इतना सपना, बड़ा सपना दिखा के फिर सपना क्यों तोड़ देते हो किसी का। प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो आप लोग शेयर करके यूट्यूब वाले टीम के पास पहुंचाए। अगर वैसे तो मैं यूट्यूब को भी टैग करूंगा, यूट्यूब टीम को भी, गलती सलती हुआ हो तो माफ करें, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है और इस बात का डर भी नहीं है कि चैनल डिलीट हो जाए तो घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, नहीं होगा ऐसे चार पांच हो गया ये और हो जाए एक, लेकिन जो दिल में था वो मैंने बोल दिया। राम राम।